अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त औरंगजेब, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार्स और कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब, आज इस गाड़ी के मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ, वो है 1988 मॉडल और 3 डोर में है ये, मुल्तान रजिस्टर्ड है और यकीन करें एंटीक चीज़ है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल गाड़ी है ये, और 2006 या 7 की ये क्लियर है, मुल्तान रजिस्टर्ड है, बायोमेट्रिक वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, टोकन वगैरह सब कंप्लीट हैं इसके, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। मैं आज आपको उसका रिव्यू भी करवाऊंगा और फॉर सेल भी है वो। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसकी दे दूँ गाड़ी की, कि ये 2400 cc है, डीजल में है ये, और इसकी एवरेज जो है 8 से 10 के दरमियान है, और इंजन इसका 100% ओके है। इसका टर्बो और उसके अलावा इसकी मतलब के कोई ब्लो वगैरह नहीं है इंजन में, कोई काला धुआं इतना नहीं है, वैसे नॉर्मल गाड़ियों का हल्का फुल्का ब्लैक डीजल का होता है पुरानी गाड़ियों का। तो टायर्स वगैरह बिल्कुल न्यू डले हुए हैं इसके, आपने बस क्या करना है, फ्यूल डालना है, इसका इंजन ऑयल चेक करना है और आप इसे जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। तो आएँ चलते हैं, मैं आपको गाड़ी का रिव्यू करवाता हूँ। और हाँ जी, एक और बात, ये मैनुअल गियर में है, मैनुअल है, 4x4 इसका एक्टिव है। तो चले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये फ्रंट लुक है प्राडो 3 डोर की, और ये कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये हार्ड और टफ़ गाड़ी है, ऑफ रोड, फुली ऑफ रोड के लिए, और ये बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। इंजन रूम मैं आपको दिखा देता हूँ, 2400 cc डीजल में है ये आप देख सकते हैं। गाड़ी थोड़ी मैली है क्योंकि सर्विस वगैरह नहीं हुई हुई, फ्रंट पट्टी आप देख लें, इसकी हर चीज़ अपनी कंडीशन में है, ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई गाड़ी हिट नहीं हुई, कोई गाड़ी लगी नहीं है, कोई भी पीस इसका पेंट नहीं है, उसकी गारंटी है। सील्स वगैरह इसकी 200% ओरिजिनल है, कहीं से कोई सील डिस्टर्ब नहीं है इसकी, और इंजन भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि 100% ओके है। और बैक से मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की कंडीशन, ये बैक से आप देख लें, बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, एक्स्ट्रा टायर वगैरह सब कुछ, और जो इसका अपना आप कह लें कि बैक से है ये, आपको मैं अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो सीट्स वगैरह उसकी कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त है, टायर्स वगैरह बिल्कुल न्यू डले हुए हैं इसके, और ये ग्रेस देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड पे, कोई गाड़ी पे डेंट, कोई स्क्रैच, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है ये आप देख सकते हैं। और जनाब, इंटीरियर भी मैं आपको इसका दिखा देता हूँ मैनुअल गियर में। ये पहले सीट्स देखें, डैशबोर्ड की कंडीशन आप देखें, ओरिजिनल डैशबोर्ड की कंडीशन आप देखें, बिल्कुल फ्रेश है, अपनी ओरिजिनल हालत में है, कंपास वगैरह हर चीज़ इसकी एक्टिव है, स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, 4x4, और इसमें सनरूफ नहीं आता, ये सिंपल है। और जो इसकी जो बैक सीट्स हैं वो भी डिफरेंट स्टाइल में, जैसे पोटोहार और वो आती थी उस स्टाइल में आती हैं, और ये फ्रंट सीट्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, इस कंडीशन में गाड़ी। हाँ, आपको कोई मतलब कि प्रोजेक्ट गाड़ी मिल जाए जो बाद में बनी हुई हो, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, मतलब इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है जैसे। हाँ जी, तो जनाब, लैंड क्रूज़र आपने देखी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और जो इसकी डिमांड है, वो जो इसके ओनर हैं वो उन्होंने नहीं बताई, तो जो भाई भी व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं उन्हें उसकी डिमांड शो कर दूंगा। और जाहिरी बात है हर गाड़ी कंडीशन के मुताबिक पैसे होते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भाई लेने वाले होंगे उन्हान में कहीं करवा देंगे। तो जनाब, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।